गुड इवनिंग दोस्तों। तो हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट मैंने पढ़ा दिया था, ब्लड का भी मैंने प्लाज्मा और आरबीसी के बारे में आपको बता दिया था। आज हम लोग दोस्तों जनरली डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डब्ल्यूबीसी और अगर टाइम मिला तो एबीओ ग्रुप भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। आज का दोस्तों टॉपिक क्या है मेरा, ब्लड में डब्ल्यूबीसी, ठीक है। आज हम लोग दोस्तों डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, यानी जो जो चीज आ सकता है एग्जाम पर्पज से वो सब चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। ये तो हो गया मेरा फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल। इसका और एक नाम क्या है? तो इसको हम लोग ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट क्यों बोलते हैं? तो ल्यूको मतलब क्या होता है दोस्तों? ल्यूको मतलब होता है लैक। जो ल्यूकोसाइट है वो दो वर्ड से बना हुआ है, ल्यूको प्लस साइट, ठीक है। तो ल्यूको मतलब क्या होता है? लैक। और साइट मतलब क्या होता है दोस्तों? मैंने आपको बताया ये सेल है ना। तो क्या बोल रही है? क्या चीज का लैक बोल रही है? लैक क्या, यानी लैक मतलब क्या होता है? कमी। तो क्या चीज का कमी है इसमें? तो इसमें जो कमी है वो क्या चीज का? हेमोग्लोबिन का कमी है, ठीक है। हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है, ठीक है। आरबीसी में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए उसका कलर कैसा होता है? रेड होता है कि नहीं? और क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन, ल्यूकोसाइट में हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका कलर कैसा होता है दोस्तों? तो कलर कैसा होता है? कलर जो होता है कलरलेस होता है, ठीक है। इसमें कोई भी कलर नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी में क्या होता है दोस्तों? कोई भी कलर नहीं पाया जाता है, ठीक है। कोई भी कलर होता ही नहीं है, ठीक है। कलरलेस होता है डब्ल्यूबीसी। क्या होता है दोस्तों? कलर क्या होता है? कलरलेस होता है, ठीक है। ये आप ये मत सोचिए कि व्हाइट ब्लड सेल है तो व्हाइट मतलब तो व्हाइट कलर, नहीं, कलरलेस होता है, कोई कलर होता ही नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखिए दोस्तों, डब्ल्यूबीसी हमने आरबीसी में क्या पढ़ा था? आरबीसी में न्यूक्लियस होता नहीं है। हमने आरबीसी में क्या पढ़ा था? ये मैं आरबीसी के लिए बता रहा हूं। आरबीसी में दोस्तों न्यूक्लियस जो था वो होता नहीं था। न्यूक्लियस क्या होता है? अब्सेंट होता था। न्यूक्लियस क्या, उसमें आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, न्यूक्लियस भी नहीं होता है, लाइसोसोम भी नहीं होता है, ठीक है। और क्या होता है? साइटोप्लाज्म कुछ भी नहीं होता है आरबीसी में, ठीक है। ये सभी क्या होता है? अब्सेंट होता है। ये माइटो है, न्यूक्लियस है, लाइसोसोम है, ठीक है। तो ये सभी अब्सेंट होता है, ये सब चीज आरबीसी में नहीं होता है दोस्तों। क्यों नहीं होता है? उसका रीजन क्या है दोस्तों? तो रीजन ये है दोस्तों कि आरबीसी का दोस्तों काम क्या है? आरबीसी ऑक्सीजन को ले जाता है कि नहीं? ऑक्सीजन को लंग से लेता है और पूरे सेल टिश्यू में पहुंचाता है कि नहीं? तो दोस्तों अगर मान लीजिए इस आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया होता, लाइसोजोम होता और सभी चीज होता, न्यूक्लियस होता, माइटोकॉन्ड्रिया होता, लाइसोजोम होता, अगर आरबीसी में होता तो क्या होता? ये जो ऑक्सीजन ले जा रहा है प्लस O2 जो ले जा रहा है, तो ये जो ऑक्सीजन क्या करता? ये माइटोकॉन्ड्रिया ले लेता, अपने लिए यूज करता। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो आरबीसी में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो ऑक्सीजन अगर ले लेता तो ऑक्सीजन पूरे सेल में कैसे पहुंच पाता है कि नहीं? इसका काम क्या है? पूरे टिश्यू में ऑक्सीजन को देना, ठीक है, पूरे टिश्यू में, पूरे बॉडी टिश्यू में ऑक्सीजन को देना। मगर अगर मान लीजिए लंग्स से ऑक्सीजन उठाता है कि नहीं, उठा लिया, अब क्या कर रहा है ये? इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को यूज कर रहा है। हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन ले लेता है कि नहीं? यूज करता है ना। तो यूज कर लेता क्या होता है? यहाँ पे ऑक्सीजन का कमी आ जाता है और कम ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंचता है। इसीलिए क्या होता है दोस्तों? आरबीसी में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, नहीं होता है, लाइसोजोम नहीं होता है, समझ गए क्यों? अब देखिए, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं? डब्ल्यूबीसी के बारे में, अभी हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? डब्ल्यूबीसी में जो होता है, डब्ल्यूबीसी में दोस्तों न्यूक्लियस होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और डब्ल्यूबीसी का, क्योंकि न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस
न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। दोस्तों ये सब हम डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ रहे हैं। डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है दोस्तों, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो देखिए राउंड तो है, राउंड तो है, मगर दोस्तों जब मूवमेंट करता है डब्ल्यूबीसी, जब चलता है मूवमेंट करता है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है डब्ल्यूबीसी का, जब मूवमेंट करता है तब, जब शांत रहता है कि नहीं, एक्चुअल अवस्था में ऐसा होता है, राउंड होता है, मगर जब ये डब्ल्यूबीसी मूवमेंट करता है तब कैसा शेप हो जाता है दोस्तों, एमोबा जैसा। ये शेप कैसा है, ये एमोबा जैसा शेप है कि नहीं, एमोबा, ठीक है, ये एमोबा जैसा शेप है दोस्तों। अब दोस्तों होता क्या है, ये तो एमोबा जैसा है कि नहीं, मान लीजिए कोई बाहर से कोई माइक्रोब्स अटैक कर रहा है आपके शरीर पे, ये रहा आपका माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स आ गया है कि नहीं, यानी ये कोई वायरस है या माइक्रोब, मान लीजिए कोरोना ही है, कोरोना ही आ गया है कि नहीं, तब ये जो डब्ल्यूबीसी क्या करता है, इसको खाने के लिए देखिए आगे बढ़ेगा, ठीक है। आपने स्यूडो मूवमेंट देखा होगा, स्यूडो स्यूडो अमेबा कैसे मूव करता है, स्यूडो मूवमेंट है कि नहीं, स्यूडो से मूव करता है कि नहीं, तो देखिए क्या करेगा अमेबा, ऐसे इसके तरफ बढ़ेगा, ये जो माइक्रोब्स है इसके तरफ बढ़ेगा, उसके बाद क्या करेगा देखिए, फिर अपने अंदर ले लेगा है कि नहीं, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है देखिए यहां पे क्या होगा, ये देखिए ये अपने अंदर ले लिया, इस माइक्रोब्स को क्या हो गया, अंत में क्या हो गया, चलते चलते इसके पास गया और ये अपने अंदर ले लिया, ले लेता है कि नहीं, स्यूडो मूवमेंट से अपने अंदर ले लिया और क्या करता है, इसको खा जाता है कि नहीं, इसको खा गया। तो इसीलिए डब्ल्यूबीसी कैसा होता है दोस्तों, इसका मूवमेंट जो होता है, मूवमेंट के टाइम ये कैसा लगता है, एमोबा जैसा लगता है, ठीक है, एमोबा जानते हैं आप, उसी टाइप का लगता है, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों स्ट्रक्चर के बारे में, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दोस्तों जो डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में कितना होता है, ठीक है, जैसे आपको पता है मैंने क्या बोला था कि आरबीसी जो होता है हमारे शरीर में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, यानी ब्लड कर्पस्कल में, ब्लड कर्पस्कल में जो क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा अमाउंट किसका होता है, तो आप क्या बोलेंगे, ब्लड कर्पस्कल में आरबीसी का, आरबीसी कितना होता है, 50 लाख से लेकर 55 लाख तक होता है। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट में आपको कल बताऊंगा। उसके बाद होता है क्या, सबसे लास्ट में डब्ल्यूबीसी, ठीक है, जो मैंने 50 लाख से 55 लाख बताया हो क्या, पर क्यूबिक मीटर है, ठीक है, पर क्यूबिक मिलीमीटर है। अब देखिए इसमें डब्ल्यूबीसी में कितना होता है, तो डब्ल्यूबीसी में दोस्तों होता है 6000 से लेकर 9000 तक, ठीक है, डब्ल्यूबीसी में कितना होता है, 6000 से लेकर 9000 mm क्यूब, ठीक है, 6000 से लेकर 9000 mm क्यूब तक होता है डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, ये अमाउंट है, ये क्या है, अमाउंट है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए डब्ल्यूबीसी जो है वो बनता कहाँ है हमारे शरीर में, तो डब्ल्यूबीसी कहाँ बनता है दोस्तों, तो डब्ल्यूबीसी हमारे कहाँ बनता है बताइए, ये भी बोन मैरो में बनता है, कहाँ बनता है, बोन मैरो में, फॉर्म्ड इन, फॉर्मलिन कहां पे दोस्तों, तो बोन मैरो में बनता है, व्हाइट बोन मैरो, मैंने आपको बताया था पिछला लेक्चर में कि दो टाइप का बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो और व्हाइट बोन मैरो, तो ये डब्ल्यूबीसी कहां बनता है दोस्तों, व्हाइट बोन मैरो और रेड बोन मैरो दोनों में ही बनता है, ठीक है। और ये कभी कभी लीवर और स्प्लीन में भी बनता है, अगर जिसका ज्यादा नीड हुआ तो, ये क्या मान लीजिए बहुत ज्यादा जरूरत है तो बोन मैरो अगर इतना सप्लाई नहीं कर पाता है तो ये लीवर और स्प्लीन में भी बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और दोस्तों देखिए आरबीसी हमारा क्या था, आरबीसी कहां बनता था, आरबीसी हमारा बोन मैरो से ही बनता था, मगर मरता कहां था दोस्तों, तो आरबीसी कहां मरता था, आरबीसी स्प्लीन में मरता था, है कि नहीं। मगर ये डब्ल्यूबीसी का डेथ कहां होता है, पहले इसका लाइफ स्पेन जानिए, लाइफ स्पेन कितना होता है, तो डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन जो होता है
लाइफ स्पेन कितना होता है दोस्तों? तो लाइफ स्पेन होता है इसका 7 to 8 days। दोस्तों ये सब चीज नोट करते जाइएगा, ठीक है? मैं सब आपको एनसीईआरटी का ही लिखा रहा हूँ। लाइफ स्पेन कितना होता है डब्ल्यूबीसी का? तो 7 to 8 days होता है दोस्तों। मगर दोस्तों होता क्या है, मैंने आपको जैसा कि बताया क्या कि डब्ल्यूबीसी क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है, ठीक है? बाहर वाले जो वायरस या माइक्रोब्स हमारे शरीर में आते हैं उससे लड़ता है दोस्तों। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि दोस्तों जो डब्ल्यूबीसी है अपना पूरा लाइफ नहीं जी पाता है। क्यों? क्योंकि ये बीमारी से लड़ने के चक्कर में क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि वो मर भी जाता है कि नहीं, डेथ हो जाता है। जब डेथ हो जाता है तो ये उस टाइम में 3 to 4 days ही ये जिंदा रह पाता है, ठीक है? 7 to 8 days जिंदा नहीं, 3 to 4 days ही ये जिंदा रह पाता है, ठीक है? नॉर्मली कितना है, 7 to 8 days होता है ये जिंदा रहता है। मगर क्योंकि ये हमेशा माइक्रोब से लड़ता रहता है कि नहीं, इसीलिए ये क्या लड़ते लड़ते उसका डेथ हो जाता है और 3 to 4 days तक ही जिंदा रह पाता है, ठीक है? ये तो हो गया दोस्तों लाइफ स्पैन। अब दोस्तों इसका साइज, इसका जो साइज होता है वो क्या होता है, इसका साइज जो होता है नॉर्मली मुझे ठीक से याद नहीं है, मगर 12 micrometer तक आई थिंक इसका साइज होता है दोस्तों, ठीक है? ये डाटा आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? इतना साइज होता है। और एक्चुअली ये जितने भी ब्लड कॉर्पस्कल है उसमें सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी ही होता है दोस्तों। जितने भी ब्लड कॉर्पस्कल है उसमें सबसे बड़ा क्या होता है, डब्ल्यूबीसी ही होता है दोस्तों, ठीक है? इसको एक बार नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों ये जो डब्ल्यूबीसी होता है क्या होता है, ये डब्ल्यूबीसी जो होता है हमारे शरीर में एक तरह का मिलिट्री जैसा काम करता है। क्या? मिलिट्री जैसा, ठीक है? जो सेना में आर्मी जो होता है, जो मिलिट्री होता है हमारा क्या दुश्मनों से रक्षा करता है, वैसे ही ये जो डब्ल्यूबीसी है ये भी हमारे शरीर का क्या है, मिलिट्री है, ठीक है? शरीर का क्या है, हमारे शरीर का बॉडी का मिलिट्री है दोस्तों। ये हमें बाहरी जो दुश्मन है, जो माइक्रोब्स है कि नहीं, जो कैरियर है, जो मतलब जितने भी खतरनाक बीमारियां है कि नहीं उसके जो कैरियर है उससे हमें बचाता है दोस्तों डब्ल्यूबीसी, है कि नहीं? इसीलिए डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, मिलिट्री बोलते हैं, ठीक है? ये क्या करता है, डब्ल्यूबीसी हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। क्या करता है, इम्यूनिटी को क्या करता है, बूस्ट करता है बीमारियों के प्रति। जब हमारे शरीर के अंदर कोई एक्स्ट्रा वेक्टर आता है कि नहीं, मतलब कैरियर वेक्टर जो आता है तो उससे लड़ता है, ठीक है? तो क्या करता है, हमें इम्यूनाइज करता है कि नहीं, यानी हमें इम्यूनिटी देता है, ठीक है, उससे लड़ने के लिए। ये डब्ल्यूबीसी का काम है दोस्तों, ठीक है? अब दोस्तों क्या होता है, देखिए आरबीसी दोस्तों क्या था, आरबीसी को मैंने क्या बोला था कि आरबीसी मरता कहां पे, डेथ कहां होता है आरबीसी का, तो आरबीसी का डेथ कहां होता है, स्प्लीन में होता है। मगर डब्ल्यूबीसी के केस में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी के केस में ये कहां मरता है दोस्तों, तो ये ब्लड में ही मर जाता है, ठीक है? ये कहां होता है डेथ, इसका कहां होता है, तो इसका डेथ जो होता है वो ब्लड में ही होता है दोस्तों। और ब्लड में क्योंकि डब्ल्यूबीसी में क्या है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी जो होता है इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें लाइसोजोम भी होता है, ठीक है? तो ये जो लाइसोजोम है क्या करता है, जो डब्ल्यूबीसी मर जाता है, जिसका डेथ हो जाता है, आपको क्या पता है कि लाइसोजोम क्या है, लाइसोजोम सुसाइडल बैग है कि नहीं, यानी कोई भी सेल जो डैमेज हो जाता है उसको कौन पचा लेता है, खाता कौन है उसको, लाइसोजोम ही खाता है। क्या है, लाइसोजोम क्या करता है, जो डब्ल्यूबीसी मर जाता है उसको ये लाइसोजोम क्या करता है, ब्लड में उसको खा जाता है, ब्लड से इसको खा जाता है कि नहीं? अगर ब्लड से नहीं खाया तो क्या हुआ दोस्तों, कचरा जमा होते रहेगा कि नहीं हमारे शरीर में, इसीलिए क्योंकि इसमें न्यूक्लियस और लाइसोजोम दोनों होता है डब्ल्यूबीसी में, तो जो ब्लड मर जाता है कि नहीं, 3 to 4 days में मर जाता है, आपको पता है, तो क्या करता है, लाइसोजोम क्या करता है, इस ब्लड को खा जाता है कि नहीं, जो मरा हुआ जो डब्ल्यूबीसी इसको खा जाता है, ठीक है? और आरबीसी में क्या होता है दोस्तों, आरबीसी में क्योंकि उसमें लाइसोजोम नहीं पाया जाता है आरबीसी में, ठीक है, इसीलिए आरबीसी का डेथ कहां होता था, तो स्प्लीन पलिहा में उसका डेथ होता था, ठीक है? तो ये तो हो गया दोस्तों डब्ल्यूबीसी के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग क्या देखेंगे, डब्ल्यूबीसी कितने टाइप के होते हैं, ठीक है? चलिए
तो देखिए दोस्तों, डब्ल्यूबीसी जनरली कितने टाइप के होते हैं? हम क्या पढ़ रहे थे, ब्लड में डब्ल्यूबीसी पढ़ रहे थे। तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी, आज मैं डब्ल्यूबीसी के बारे में ही बताऊंगा, प्लेटलेट्स के बारे में मैं कल बताऊंगा। अगर आज मेरे को टाइम मिलता है दोस्तों तो मैं आपको एबीओ जो ब्लड ग्रुप है उसके बारे में ही बताऊंगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी दोस्तों कितने टाइप का होता है? तो डब्ल्यूबीसी टू टाइप के होते हैं। क्या क्या? एक होता है ग्रेन्यूलोसाइट, एक होता है दोस्तों ग्रेन्यूलोसाइट, और दूसरा क्या होता है अग्रेन्यूलोसाइट, अग्रेन्यूलोसाइट। क्या क्या होता है दोस्तों? एक होता है ग्रेन्यूलोसाइट और क्या होता है अग्रेन्यूलोसाइट, ग्रेन्यूलोसाइट और अग्रेन्यूलोसाइट दो टाइप का होता है डब्ल्यूबीसी। अब ग्रेन्यूलोसाइट में भी माइक्रो सब्सटेंस होता है, ठीक है? ग्रेन्यूलोसाइट में भी कुछ माइक्रो सब्सटेंस होता है और अग्रेन्यूलोसाइट जो साइट है इसमें भी कुछ माइक्रो सब्सटेंस होता है, ठीक है? क्या होता है, इन सब में माइक्रो सब्सटेंस होता है, तो एक एक करके जानते हैं कौन कौन सा होता है। तो ग्रेन्यूलोसाइट जो होता है दोस्तों, देखिए ग्रेन्यूलोसाइट जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये भी तो है, गोला होगा, है कि नहीं, राउंड शेप होगा और इसमें न्यूक्लियस होगा। मगर अंतर क्या है ग्रेन्यूलो और अग्रेन्यूलोसाइट में, अंतर क्या है दोस्तों? तो ग्रेन्यूल मतलब क्या होता है, ग्रेन्यूल मतलब क्या होता है पार्टिकल, यानी इसके सरफेस के ऊपर, डब्ल्यूबीसी का जो सरफेस है इसके ऊपर ये ग्रेन्यूल जैसा ऐसा ऐसा होगा, है कि नहीं, ये ग्रेन्यूल जैसा है कि नहीं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रेन्यूलोसाइट बोलते हैं। और वही अगर मैं अग्रेन्यूलोसाइट के बारे में बोलूं तो यहां पर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा, देखिए ये न्यूक्लियस, मगर इसके ऊपर कुछ पार्टिकल नहीं होता है दोस्तों, इसके ऊपर कुछ पार्टिकल नहीं होता है, ठीक है? इसीलिए इसको अग्रेन्यूलोसाइट बोलते हैं, ठीक है? इसमें इसको ग्रेन्यूलोसाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, ये देखिए पार्टिकल जैसा है, इसीलिए इसको ग्रेन्यूल, ग्रेन्यूल मतलब क्या होता है, ग्रेन्यूल मतलब क्या होता है पार्टिकल, तो इसीलिए इसको ग्रेन्यूलोसाइट बोलते हैं, ठीक है? अब देखिए दोस्तों ग्रेन्यूलोसाइट जो होता है वो तीन टाइप के होते हैं, इसमें तीन गो माइक्रो सब्सटेंस होते हैं। कौन कौन सा माइक्रो सब्सटेंस, कौन कौन सा होता है, तो देखिए पहला क्या होता है एसिनोफाइल्स, ठीक है, एसिनोफाइल्स। दूसरा क्या होता है दोस्तों, दूसरा होता है बेसोफाइल्स, बेसोफाइल्स। और तीसरा क्या होता है न्यूट्रोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स, ये तीसरा है। तो ये दोस्तों ग्रेन्यूलोसाइट है, ग्रेन्यूलोसाइट तीन टाइप के हो गए, है कि नहीं? अब अग्रेन्यूलोसाइट जो होता है ये दो टाइप का होता है, कौन कौन सा होता है, तो ये होता है लिम्फोसाइट, पहला क्या होता है लिम्फोसाइट, और दूसरा क्या होता है मोनोसाइट, और दूसरा होता है मोनोसाइट, मोनोसाइट। प्रियंका इधर आओ। तो ये दोस्तों एग्रेन्यूलोसाइट है, एग्रेन्यूलोसाइट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के हैं, इसमें दो माइक्रो सब्सटेंस होते हैं। ये सब दोस्तों क्या है, इसको बोलते हैं माइक्रो सब्सटेंस, ठीक है? इसके अंदर माइक्रो सब्सटेंस है। तो ये लिम्फोसाइट है और मोनोसाइट है, ये किसमें होता है, तो अग्रेन्यूलोसाइट में होता है। वही अगर मैं ग्रेन्यूलोसाइट में बोलूं तो इसमें क्या क्या होता है, तो एसिनोफाइल, बेसोफाइल्स और न्यूट्रोफिल्स, ठीक है? ये क्या होते हैं, ग्रेन्यूलोसाइट में होते हैं, ठीक है? अब दोस्तों हम लोग एक बात देखिए, ठीक है, एसिनो जो फिल्स होता है, बेसोफिल्स होता है और न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, ये हो गया ग्रेन्यूलोसाइट में होता है कि नहीं। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों कि इन सभी में सबसे ज्यादा माइक्रो जो सब्सटेंस है वो कौन सा होता है, यानी डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा माइक्रो सब्सटेंस कौन सा पाया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, ये सब जो माइक्रो सब्सटेंस है ये सबसे ज्यादा कौन सा, किस अमाउंट में, कौन सा जो माइक्रो सब्सटेंस है वो ज्यादा होता है हमारे शरीर में, कौन सा माइक्रो सब्सटेंस जो है, यानी डब्ल्यूबीसी का माइक्रो सब्सटेंस है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे दोस्तों, आंसर क्या है उसका, तो उसका आंसर है न्यूट्रोफाइल्स। ये जो है ये कितना होता है, तो ये होता है 60 से लेकर 70% तक, ठीक है? ये क्या होता है 60 से लेकर 70%, ठीक है,
60 से लेकर 70% तक होता है। न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, 60 से लेकर 70% तक होता है। किसका? ये 60-70% पूरे ब्लड का नहीं होता है दोस्तों, ये ऑफ व्हाइट ब्लड सेल ऑफ WBC, यानी WBC जितना है उसका 60-70% न्यूट्रोफाइल होता है दोस्तों, ठीक है। अब पूछा जाएगा ये क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों कि सबसे ज्यादा WBC में कौन सा माइक्रो सब्सटेंस होता है, तो आप क्या बोलेंगे दोस्तों, WBC में हमारे शरीर में जो सबसे ज्यादा ब्लड है वो कौन सा है, मतलब ब्लड कॉर्पस्कल जो है वो सबसे ज्यादा कौन है, तो आप RBC बोलेंगे। मगर अगर क्वेश्चन रहेगा WBC में सबसे ज्यादा कौन है, तो आप क्या बोलेंगे दोस्तों, न्यूट्रोफिल, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा होता है, तो इसके बाद किसका अमाउंट ज्यादा होता है, तो इसके बाद न्यूट्रोफिल्स के बाद क्या होता है, सबसे जो ज्यादा होता है वो क्या होता है, ये लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कितना होता है, ये 28% से लेकर 30% तक होता है। लिम्फोसाइट कितना होता है, 28% से 30%, 33% तक लिम्फोसाइट होता है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है कि ये तो सबसे बड़ा हो गया, सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है न्यूट्रोफिल्स, अब क्वेश्चन आता है सबसे कम अमाउंट में क्या पाया जाता है, कौन सा WBC का जो माइक्रो सब्सटेंस है वो सबसे कम अमाउंट में पाया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, सबसे कम अमाउंट में कौन सा पाया जाता है, तो सबसे कम अमाउंट में ये बेसोफिल्स पाया जाता है, बेसोफिल, ठीक है। 0.1 से लेकर 1% तक धर लीजिए, 0.1 से लेकर 1% तक, ठीक है, ये बेसोफिल सबसे कम अमाउंट में पाया जाता है, 0.1% से लेकर 1% तक, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों सबसे बड़ा जो, अब मैंने ये तो अमाउंट बोल दिया है कि नहीं, अमाउंट में सबसे ज्यादा कौन है, सबसे कम कौन, अब मैं बोल रहा हूं सबसे बड़ा साइज में सबसे बड़ा कौन होता है, तो साइज में दोस्तों सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो साइज में सबसे बड़ा होता है मोनोसाइट, ये होता है सबसे लार्जर, ये क्या होता है, सबसे लार्जर, यानी सबसे बड़ा होता है दोस्तों मोनोसाइट, ठीक है, सबसे बड़ा होता है ये, है कि नहीं। क्या हो दोस्तों, बेसोफिल सबसे कम होता है, रिवीजन कर लीजिए एक बार, न्यूट्रोफिल क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है WBC में, 60-70% होता है, बेसोफिल क्या होता है, 0.1 से 1% तक होता है, ये बहुत ही रेयरली फाउंड होता है दोस्तों, WBC में ये बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है बेसोफिल्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, न्यूट्रोफिल के बाद कौन सा होता है सबसे ज्यादा, लिम्फोसाइट होता है कि नहीं। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा कौन है, साइज में सबसे बड़ा कौन है, तो क्या बोलेंगे, मोनोसाइट सबसे बड़ा होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों आपके साइज हो इसके लेकर, अमाउंट के लेकर, ठीक है, इसको इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लीजिए। अब देखिए दोस्तों और एक चीज, ये जो मोनोसाइट होता है, मोनोसाइट जो होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये जो मोनोसाइट है साइज में तो दोस्तों बहुत बड़ा होता है, ठीक है, साइज में तो ये बहुत बड़ा होता है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, इसका न्यूक्लियस बहुत ही छोटा होता है दोस्तों। मोनोसाइट का क्या होता है दोस्तों, मोनोसाइट तो साइज में बहुत बड़ा है, और इसका न्यूक्लियस जो होता है दोस्तों बहुत ही छोटा होता है, और लिम्फोसाइट जो होता है ये साइज में इतना बड़ा नहीं होता है, ठीक है, छोटा होता है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। ये लिम्फोसाइट कैसा होता है, तो लिम्फोसाइट देखिए, ये लिम्फोसाइट है, इसका जो न्यूक्लियस होता है दोस्तों लिम्फोसाइट का वो बड़ा होता है, और मोनोसाइट का क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो मोनोसाइट का छोटा होता है, ठीक है, मगर ये साइज में बड़ा होता है, और इसका न्यूक्लियस क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। और ये मोनोसाइट जो है ना, इसमें क्या होता है, एमोबिक, एमोबा वाला मूवमेंट ये मोनोसाइट में ही जनरली देखा जाता है। मोनोसाइट में क्या है, एमोबा वाला जो मूवमेंट होता है मोनोसाइट में ही देखा जाता है, क्यों, क्योंकि मोनोसाइट ही क्या करता है, जो वायरस आता है उसको खाने का काम कौन करता है, तो ये मोनोसाइट ही करता है, ठीक है, इसीलिए देखिए इसका साइज बड़ा होता है, ठीक है। चलिए अब इनके फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके, ठीक है, चलिए देखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों इसका फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं। अब एक एक करके हम लोग इनके फंक्शन को जानते हैं, ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
दोस्तों ये जो एसिनोफिल है ना, ये जो एसिनोफिल है ये क्या करता है दोस्तों, तो जो एसिनोफिल है ये हमें इन्फेक्शन से बचाता है। पहला इसका काम क्या है दोस्तों, तो ये दिखा रहा है, दिखाई दे रहा है ना, ये पहला काम क्या है दोस्तों, एसिनोफाइल का पहला काम क्या है, तो ये हमें इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, इन्फेक्शन से बचाता है पहला काम। उसके बाद क्या दोस्तों, एलर्जी से हमें भी ये बचाता है, एलर्जी से भी ये हमें बचाता है। दूसरा ये क्या करता है, एलर्जी से भी हमें बचाता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी एलर्जिक भी बोलते हैं। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एंटी एलर्जिक भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी एलर्जिक और एंटी इंफेक्शन, एंटी एलर्जिक भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये तो एसिनोफाइल है, एंटी एलर्जिक भी बोलते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जब भी देखिएगा इंफेक्शन होता है ना, जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो अगर आपके शरीर में एलर्जी होता है तो आप ब्लड टेस्ट में क्या देखिएगा कि ये जो एसिनोफिल है ना, इसका जो अमाउंट है, इसका जो मात्रा है वो बढ़ जाता है। ठीक है, क्यों बढ़ता है, एलर्जी से लड़ने के लिए ये क्या करता है, अपना जो मात्रा है वो बढ़ाने लगता है कि नहीं, कि लड़ना है तुम्हें तो जल्दी जल्दी क्या करता है, अपने आप को डिवाइड करता है। डिवाइड कैसे करेगा, डब्ल्यूबीसी डिवाइड क्यों करता है, देखिए आरबीसी दोस्तों डिवाइड नहीं कर पाता है। आरबीसी क्या होता है, डिवाइड नहीं कर पाता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है दोस्तों। आरबीसी क्यों डिवाइड नहीं कर पाता है, क्योंकि आरबीसी के रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, और न्यूक्लियस नहीं होने के कारण क्या है, वो डिवाइड नहीं कर पाता है। डब्ल्यूबीसी में दोस्तों न्यूक्लियस होता है, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है, इसीलिए क्या होता है, ये अपने आप को डिवाइड कर पाता है। क्यों डिवाइड करता है, इसमें क्यों न्यूक्लियस होता है, आप समझ गए, क्योंकि मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई बीमारी आ रहा है कि नहीं, कोई वायरस आ रहा है, कोई वेक्टर आ रहा है, जो बीमारी लेकर कोई कैरियर आ गया हमारे शरीर के अंदर, तो जितना डब्ल्यूबीसी है उससे तो काम नहीं चलेगा ना, वो तो डेथ भी हो जा रहे हैं, तो उनको डेथ हो रहा है, ठीक है, वो तो बन भी जा रहे हैं, ये तो ठीक है, तो जितना डब्ल्यूबीसी है हमारे अंदर उससे तो काम नहीं चलेगा, तो इसीलिए उसमें डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है। क्यों, क्योंकि उसको डिवाइड किया जा सके, है कि नहीं, न्यूक्लियस होगा तभी डिवीजन पॉसिबल है सेल में, बिना न्यूक्लियस का डिवीजन पॉसिबल नहीं है, इसलिए आरबीसी में डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है डब्ल्यूबीसी, ये जो एसिनोफिल क्या होता है, एलर्जी जब होता है हमारे शरीर में, तो एसिनोफिल क्या होता है, इसका मात्रा जो है वो बढ़ जाता है, अमाउंट जो है इसका वो बढ़ जाता है दोस्तों। ठीक है, एलर्जिक टाइम में, यानी इसीलिए जब रिपोर्ट देखेंगे तो एसिनोफाइल देखिएगा ये क्या हुआ, बढ़ा, जो नॉर्मल रेंज होता है उससे ये ज्यादा होता है। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी, ये जो दोस्तों डब्ल्यूबीसी है, ये भी जब कोई आपको बीमारी उमारी होता है ना, बुखार उखार होता है, तो ये डब्ल्यूबीसी का अमाउंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, डब्ल्यूबीसी का जो अमाउंट है ये भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो एसिनोफिल क्या होता है, एलर्जी कंडीशन में अपने आपको इंक्रीज कर लेता है अपने अमाउंट को। तो दोस्तों ये तो हो गया एसिनोफिल। अब दोस्तों न्यूट्रोफिल, ठीक है, न्यूट्रोफिल क्या होता है और मोनोसाइट क्या होता है, ये दोनों का फंक्शन हम एक साथ पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो न्यूट्रोफिल, मैंने आपको क्या बताया, न्यूट्रोफिल हमारे ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ब्लड नहीं, डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा क्या होता है, न्यूट्रोफिल होता है। ठीक है, टाइम कितना हुआ, तो देखिए दोस्तों क्या होता है, ये जो न्यूट्रोफिल है और जो मोनोसाइट है, इसका काम क्या है दोस्तों, तो ये दोस्तों जो बैक्टीरिया और जो माइक्रोब्स हमारे अंदर आता है, जो मर गया है, उसको ये लोग क्या करता है, खा जाता है। ठीक है, इसको क्या करता है, ये दोनों न्यूट्रोफिल और ये मोनोसाइट मिलकर क्या करता है, दोनों को खा जाता है। ठीक है, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल का काम क्या है, जो बैक्टीरिया, जो वायरस, जो माइक्रोब, जो हमारे शरीर के अंदर अटैक कर दिया है कि नहीं, जैसे मान लीजिए कोरोना आपके अंदर आ गया, ठीक है, तो कोरोना जब मर जाता है तो उसको खाने का काम कौन करेगा, तो ये मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल क्या करता है, उसको खा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसलिए इसको फैगोसाइट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फैगोसाइट, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट को क्या बोलते हैं, फैगोसाइट भी बोलते हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि फैगोसाइट कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल जो है ये फैगोसाइट के काम करता है। फैगोसाइट मतलब क्या होता है, फैगोसाइट मतलब होता क्या है, तो फैगोसाइट मतलब होता है भक्षण करना, खा जाना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, फैगोसाइट मतलब खा जाना। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों क्या होता है, ये जो मोनोसाइट क्या होता है, मैंने आपको क्या बोला था, इसका न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, इधर नीचे दिखाई देगा, ये इसका न्यूक्लियस है, और इसका साइज जो होता है मोनोसाइट को, मैंने क्या बोला था, ये देखिए सबसे बड़ा साइज बताया था, तो सबसे बड़ा इसका साइज क्यों हो जाता है, क्योंकि ये दोस्तों जितना भी माइक्रोब्स है, जो मर गया, जो डेथ हो गया है कि नहीं, जो हमारे शरीर में जो बीमारियां लाते हैं, जिसका डेथ हो जाता है, तो ये लोग क्या करते हैं, इसको खा जाते हैं। खाने के कारण क्या होता है दोस्तों, इसका साइज एकदम बढ़ जाता है कि नहीं,
तो इसीलिए बड़ा होता है, ठीक है, ये दोनों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, समझिए क्या होता है। देखिए मान लीजिए आपके अंदर कोई माइक्रोब्स आया है कि नहीं, मान लीजिए आपके शरीर के अंदर कोई कोरोना ही आपके अंदर आ गया, तो जब भी कोरोना आता है तो हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी है, कोरोना में क्या होगा दोस्तों, कोरोना में एक खास तरह का एंटीजन होगा, है कि नहीं। कोरोना क्या, जब भी कोरोना आएगा या कोई भी वायरस हमारे शरीर के अंदर आता है तो एक खास तरह का प्रोटीन छोड़ता है, खास तरह का एक प्रोटीन क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है। और वही जो प्रोटीन है वो एंटीजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब शरीर हमारा क्या करता है, देखता है सारा ये तो अलग टाइप का प्रोटीन है, तो हमारे अंदर जो एंटीबॉडी क्या होता है वो एकदम जग जाता है। एंटीबॉडी क्या करता है, एकदम जग जाता है, ठीक है। और हमारे अंदर एंटीबॉडी जग गया, जब डब्ल्यूबीसी के अंदर जो एंटीबॉडी वो पूरा जग जाता है कि नहीं, जब डब्ल्यूबीसी में होता है और प्लाज्मा में भी होता है एंटीबॉडी, तो क्या होता है जब भी कोई बाहर का जो वायरस हो या माइक्रोब्स हमारे शरीर के अंदर आता है तो वो जग जाता है कि नहीं। और शरीर को क्या, ये लिम्फोसाइट है, इसको क्या करता है, खबर देता है कि भाई लिम्फोसाइट भाई हमारे शरीर के अंदर कुछ अननोन आदमी आ रहे हैं, उसको आपको चलिए और मारिए। एंटीबॉडी क्या करता है, एंटीबॉडी लिम्फोसाइट को बोलता है कि चलिए उसको मारिए, है कि नहीं। तो लिम्फोसाइट क्या करता है, ऐसा बात है, तो चलिए वो क्या करता है, लिम्फोसाइट जाके उसको मारना स्टार्ट करता है, ठीक है। जितना भी जो वायरस है, कोरोना माइक्रो जो भी, उसको क्या करता है, मारना स्टार्ट करता है। अच्छा, मार मार के जब मार देता है, पूरा खत्म हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो क्या होता है दोस्तों, ये जो माइक्रोब्स है अब वो तो मर गए, है कि नहीं। जब मरने के बाद क्या हुआ, लिम्फोसाइट ने उसको मार दिया, तो दोस्तों वो तो हमारे ब्लड के अंदर ही है ना, अभी मर तो गए हैं, मरो हमारे ब्लड के अंदर ये कचरा है कि नहीं, जमा हो रहे हैं। तो दोस्तों वही जो कचरा है ना, उसका सफाया करने के लिए, उसको खाने के लिए, ये मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल को लिम्फोसाइट क्या बोलता है कि भाई मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल तुम लोग इसको खा जाओ, मैंने तो मार दिया है कि नहीं, एंटीबॉडी ने बोला और मैंने इसको मार दिया। लिम्फोसाइट क्या बोलता है, मैंने इसको मार दिया, अब तुम लोग काम क्या है, खा जाना उसको, ठीक है। तो ये लोग क्या करता है, उसको खा जाता है, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट मिलकर क्या करता है, उसको खा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये मैंने बताया कैसे बीमारी से लड़ता है हमारा शरीर, ठीक है। अब देखिए लिम्फोसाइट जो दोस्तों होता है, ये भी दो टाइप का होता है, कौन कौन सा होता है बताइए, तो टी सेल और एक टी होता है और एक बीटा होता है कि नहीं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। टी सेल और बीटा सेल, ठीक है। लिम्फोसाइट क्या होता है, लिम्फोसाइट भी दो प्रकार का होता है, टी सेल और बीटा सेल, ठीक है दोस्तों। तो आपको मैंने बता दिया लिम्फोसाइट क्या करता है, लिम्फोसाइट हमारे अंदर एंटीबॉडी जनरेट करता है, ठीक है, और जो बीमारी है उसको लड़ता है, उसको मारता है, ठीक है। और ये जब मार लेता है तो क्या होता है, ये मारने के बाद वो तो मर गया, माइक्रोब्स और जो जितने बैक्टीरिया है, अब मर जाता है, तो ये क्या बोलता है, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल को बोलता है कि भाई इसको खा जाओ तुम, है कि नहीं, तो ये जमा हो रहे, गंदगी कर रहे हैं कि नहीं, तो ये दोनों मिलकर क्या करता है, खा जाता है उसको, ठीक है। तो लिम्फोसाइट क्या, दो टाइप होते हैं, टी सेल और बीटा सेल, ठीक है, टी सेल और बीटा सेल, ये दो टाइप के लिम्फोसाइट होते हैं दोस्तों, टी सेल और बीटा सेल, ठीक है। तो ये मैंने आपको कितना इसेनोफिल के बारे में बता दिया, न्यूट्रोफिल के बारे में बता दिया, ठीक है, मोनोसाइट के बारे में बता दिया, लिम्फोसाइट के बारे में बता दिया। अब दोस्तों हम लोग बेसोफाइल्स के बारे में जानते हैं, ठीक है, बेसोफिल्स क्या करता है। तो एक बार दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग आगे चलते हैं, कितना टाइम हुआ, देखिए दोस्तों हमने सबके बारे में तो पढ़ लिया, एक चीज माइक्रो जो सब्सटेंस से बच गया था, क्या, बेसोफिल्स, ठीक है, बेसोफिल्स ये बच गया था, इसके बारे में पढ़ लिया। तो दोस्तों बेसोफिल क्या होता है, बेसोफिल में तीन टाइप के सब्सटेंस मौजूद होते हैं, क्या क्या, तो देखिए पहला होता है सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, दूसरा क्या होता है, हिस्टामिन, तीसरा क्या होता है, हेपरिन, तीसरा क्या होता है दोस्तों, हेपरिन। तो दोस्तों जनरली क्या होता है, ये बेसोफिल का काम क्या है, देखिए मैं बता रहा हूं आपको,
अगर मान लीजिए किसी ने तमाचा मार दिया, किसी को मान लीजिए किसी ने आपको चाटा मार दिया, और जब चाटा मार दिया तो क्या होगा, वो जगह देखिएगा दोस्तों, यहां अगर मैं मारता हूं तो ये लाल हो जाता है कि नहीं, हो जाता है ना। तो ये दोस्तों जो बेसोफिल्स होता है क्या करता है, जो रिएक्शन होता है, मतलब कोई भी बीमारी के बाद जो रिएक्शन होता है उसको ये शो करता है, ठीक है। यानी कोई मारता है तो लाल हो जा रहा है कि नहीं, क्यों लाल हो रहा है, क्योंकि उस वहां पे जो सेल है ये क्या होता है, मर जाता है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, उसको जगह नहीं मिलता, आगे जा नहीं पाता है कि नहीं, तो धक्का मारता है कि नहीं, तो इसीलिए ये जगह लाल हो जाता है कि नहीं। तो दोस्तों बेसोफिल्स क्या है, बेसोफिल्स में क्या क्या है, सेरोटोनिन है, हिस्टामिन और हेपरिन है कि नहीं। अब दोस्तों देखिए, ये हेपरिन है, ये जो ये दोनों के बारे में इंपोर्टेंट नहीं है, बस नाम जानिएगा कि सेरोटोनिन किस में पाया जाता है, हिस्टामिन और हेपरिन किस में, तो आपको बेसोफिल्स लिखना है। ये दोनों इतना इंपोर्टेंट नहीं है, आपको पढ़ना भी नहीं है, आपको हेपरिन के बारे में बताता हूं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो शरीर में जो ब्लड है उसमें क्या होता है, क्लॉटिंग मटेरियल होता है। हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है उसमें क्या होता है, क्लॉटिंग मटेरियल होता है, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन ये सब होता है ना। तो दोस्तों क्या होगा कि मान लीजिए आपके शरीर के अंदर ये सब तो क्लॉटिंग मटेरियल है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर क्लॉट बन जाए, ब्लड का क्लॉट बन जाए, हो तो सकता है ब्लड का थक्का बन जाए। तो इसी ब्लड का थक्का को रोकने के लिए हमारे शरीर में क्या होता है, हेपरिन। हेपरिन का काम क्या होता है दोस्तों, ये जो हेपरिन इसका काम क्या है, ब्लड के अंदर जो थक्का है उसको क्या बनने नहीं देता है। हेपरिन क्या करता है, ब्लड के अंदर जो थक्का है उसको बनने नहीं देता है दोस्तों, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, बेसोफिल क्या करता है, बेसोफिल में जो हेपरिन होता है वो ब्लड का थक्का बनने नहीं देता है, ठीक है। क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर क्या है, बहुत सारे क्लॉटिंग मटेरियल है, फाइब्रिनोजिन है, फाइब्रिन है, प्रोटीन है कि नहीं, तो उससे क्लॉट हो सकता है अंदर में। इंटरनली क्लॉट ना हो, इंटरनली क्लॉट होगा तो क्या होगा दोस्तों, ब्लॉक हो जाएगा मान लीजिए, है कि नहीं, क्लॉट हो गया कहीं पे आपके शरीर के अंदर, तो वो तो ब्लड का फिर आना जाना नहीं होगा, रोक देगा ना, तो रोक देगा तो क्या होगा, इससे आपका डैमेज हो सकता है पूरा सेल आपका, क्या होगा, ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं, जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, पूरा शरीर आपका डैमेज हो सकता है और आप मर भी सकते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए हेपरिन क्या करता है दोस्तों, इंटरनल जो क्लॉटिंग है उसको रोकता है हेपरिन। और बेसोफिल के बारे में मैंने बताया है कि नहीं, कि क्या होता है, कोई बीमारी होता है तो आपको बुखार हो जाता है, ये क्या है, रिएक्शन है कि नहीं, कि तुरंत एक्शन करता है कि नहीं। तो बेसोफिल क्या करता है, तुरंत एक्शन देता है, आपका शरीर को फुलाने लगता है कि नहीं। जब कोई बीमारी आता है, देखिए जो कोई बीमार आदमी रहता है ना, उसका शरीर देखिए मुंह पूरा सूजा होता है, फुला हुआ होता है, क्यों, बेसोफिल का मात्रा है, बेसोफिल का जो ये है नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है, हमारे शरीर में क्या होता है, बेसोफिल का जो अमाउंट है वो इंक्रीज होते रहता है। कब, बीमारी के टाइम है, जब बीमारी को अटैक कर दे रहा है, तो है कि नहीं, पूरा इंक्रीज हो गया मात्रा, जब मात्रा जब आपका इंक्रीज हो गया तो क्या हो गया, आपका शरीर फूला हुआ लगता है, ठीक है। तो यही जो बेसोफिल क्या करता है, आपका रिएक्शन देता है, ठीक है, एक टाइप का बोल सकते हैं, कोई भी चीज मान लीजिए आपका वायरस अटैक कर रहा है, तो जो रिएक्शन उसके ऊपर जो आता है वो बेसोफिल के कारण ही समझ में आता है। बीमार आदमी को देखिए आंख फूला फूला लगता है, शरीर फूला फूला होता है कि नहीं, ये बेसोफिल के कारण, इसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये रहा दोस्तों WBC, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है, ठीक है, मैं आपको प्लेटलेट्स और एबीओ कल कंप्लीट करा दूंगा, यानी कल हमारा ब्लड पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, थैंक यू।